हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्ज़ी। पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी होती है। आज हम बनाएंगे होममेड पनीर से हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी। पनीर की रेसिपी मेरे चैनल पे है, प्लीज़ आप उसे देखकर अपने घर में इजी तरीके से पनीर बनाकर तैयार कर सकते हो। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पालक पनीर की सब्ज़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। मैंने यहाँ पर दो बंच पालक के ले लिए हैं। इन्हें 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लेना है। पालक में काफ़ी मिट्टी होती है तो पालक को अच्छे से आपको धोना है 3 से 4 पानी में या 4 से 5 पानी में। और पालक की आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से आपको जो डंडियां हैं वो हटा लेनी है। अगर ज़्यादा बड़ी डंडी है उसे हटाना है, अगर छोटी डंडी है उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने पालक को तैयार कर सकते हो और इसे बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेना है। आप शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। पालक को मैंने चॉप कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से तैयार हो चुकी है हमारी पालक। हमारी पनीर को भी मैंने क्यूब्स में काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, उन्हें भी रफली कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, इन्हें भी ग्राइंड कर लेना है। और हरी मिर्च आज मैंने ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि पालक की सब्ज़ी है तो बहुत ही हेल्थी भी बनकर तैयार होगी। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें तेल गरम कर लिया है। 1 चम्मच ऐड कर दिया था जीरा। जीरे के साथ ही मैंने ऐड कर दी है इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम हमारे कटे हुए प्याज। प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच हमारा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारे प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही चाहिए हमें। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार कर लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। 1-2 मिनट के लिए हमारा तड़का अच्छे से भून लेना है। हमारा तड़का अच्छे से भून जाना चाहिए, इससे ही हमारी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अब हम मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, यह तेज नहीं होती है। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर जो घर का पिसा हुआ है। 1/2 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है क्योंकि हरी मिर्च हमने ज़्यादा ऐड की है, इसलिए लाल मिर्च हमने कम ही ऐड की है। 1-2 मिनट के लिए पका लेना है हमारे तड़के को मसाले के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हमारी घर की जमी हुई दही। यह बहुत ही गाढ़ी है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारी दही भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और इसी के अंदर ही हम ऐड कर देंगे अब हमारी पालक को जो हमने काट कर तैयार की थी। हमारी पालक को भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसी में ही हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। 1 कप ही पानी हमने ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और हमारी पालक को हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। 1-2 मिनट में ही हमारी पालक अच्छे से मिक्स हो चुकी है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है और हमारी पालक को हमने अच्छे से 1/2 घंटे के लिए पका लेना है। बीच बीच में चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स करना है और हमारी पालक को पका लेना है।
25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर रहे हैं, हमारी पालक बहुत ही अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे कड़छी से ही थोड़ा सा मैश कर देना है। ऐसी ही चाहिए हमें पालक हमारी, जैसी आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके का ही हमने आज पालक पनीर बनाना है। और इसी में ही हम ऐड कर देंगे अब हमारी होममेड पनीर जो हमने घर पर बनाई थी। उसके क्यूब्स मैंने काट लिए थे, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए हमें क्यूब्स, मीडियम साइज़ के ही लिए हैं मैंने। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है, लो टू मीडियम फ्लेम करना है गैस का और थोड़ी देर के लिए ढककर इसे पका लेना है। ऐसा करने से हमारी पनीर में भी हमारे मसाले जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसे एक दो मिनट के बाद मिक्स कर लेना है, चेक करते रहना है और 10 मिनट के लिए पका लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारी सब्जी को चेक कर रहे हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा देसी घी, अगर आपके पास बटर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, इससे हमारी सब्जी और भी टेस्टी बनकर तैयार होगी। हमारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। यह बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे सर्व करेंगे 5 मिनट के बाद। अब हम हमारी सब्जी को सर्व कर रहे हैं। यह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही हेल्थी है। पालक और पनीर हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्थी है और पनीर हमने घर पर ही बनाया था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाता है। हमारी आज की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और हमने इसे गार्निश कर दिया है हरे धनिए के साथ। आप भी इस तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल मसालों से बनाई हुई है और बहुत ही हेल्थी भी है, क्योंकि पनीर हमने घर पर बनाया था, बिल्कुल ही सिंपल मसाले यूज किए हैं। यह सब्जी बहुत ही टेस्टी और यमी है और हेल्थी भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अपने घर में इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और यमी सब्जी बनती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।